हमीरपुर के जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को कई माह से वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में इन कर्मचारियों को गुजर बसर करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मियों ने इसका विरोध भी जताया और उन्हें पूरा वेतन दिलवाने की मांग भी की है। इस संबंध में आज वर्कर्स यूनियन ने डीसी हमीरपुर से मुलाकात कर उनसे वेतन दिलवाने की मांग रखी है। वर्कर्स को मिनिमम वेतन दे करके 5,500 रुपया वेतन दे रहे और काफी ज्यादा सर्विस काफी क्या लगभग सारे सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो 7, 8, 6, 10 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। डीसी मैम के मिलने से बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो पेमेंट की है, लेकिन अगर 7 महीने की ड्यू है तो 3 महीने की दे दी है और 10 महीने की ड्यू है तो 4 महीने की दे दी है। और बार बार ये कहने के बावजूद के अकाउंट में सैलरी डालो या चेक के थ्रू दो, तो वो उसको बाई हैंड दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि बाई चेक या अकाउंट में पेमेंट जाएगी, तो ऐसा ना करके जो बाई हैंड दे रहे हैं और जो वर्कर है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, टेराइज कर रहे हैं कि आप लोगों को काम से हटा दिया जाएगा और आप वहाँ मैम डीसी से मिलने क्यों गए, अब अपना ईद या सैलरी वहाँ से ले लो, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। डीसी मैम के साथ मिलना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन देखे कि किस तरीके से जो मजदूर है उसका हर महीने जो है 7-8 हज़ार रुपया जो एवरेज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है वो खाया जा रहा है और जो पेमेंट है वो बड़ी कम दी जा रही है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत भी है कि क्या आईपीएच डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को कम सैलरी दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टर्स आगे कम सैलरी दे रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी शिकायत करने पर ठेकेदार ने उन्हें 2 या 3 माह का वेतन दे दिया, लेकिन अभी भी 5 से 6 माह का वेतन पेंडिंग पड़ा है। ऐसे वक्त में काम छोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में डीसी हमीरपुर उनकी मदद करें और ठेकेदार से सारा वेतन दिलवाएं। साथ ही उन्होंने वेतन सीधे उनके खाते में डालने की बात कही है ताकि कैशलेस को बढ़ावा दिया जा सके और कर्मचारियों को कोई दिक्कत पेश में ना आए। वहीं डीसी हमीरपुर ने उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन भी दिया है। हमीरपुर से जसबीर कुमार, समाचार फर्स्ट।